जो सपने आप देखते हो कि संदीप सर को सुनते थे, उनके साथ बैठ रहे हैं आज, आप समझ रहे हो? तो इट्स लाइक कि कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, बस सब छोटा लगने लग जाएगा एक समय के बाद। आपको इस कोई सपना लग रहा होगा कि यहाँ बैठना, वो पाना, IIT, IIM, खुद का मिलियनर बनना, बिलियनर बनना, खुद की परिवार की पहली BMW मर्सिडीज लाना, माँ बाप को विदेश घुमाना, फ्लाइट में घुमाना, सब काम करोगे ना सब आसान हो जाएगा। हम लोग ना बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास, ये सर भी मिडिल क्लास ही है, मैं सबको बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना। हम लोगों के सपने बड़े, हमारे बहुत ज़्यादा, हमने इतने साल मतलब गुलामी झेली हमने अंग्रेजों की, हमने बहुत सारी परेशानियाँ झेली, बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े धंधे वाले लोग, धंधे सेटी हम गरीबों को उन्होंने देखा, बड़ा बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए करा, किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना सकते हो। 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है संदीप सर, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है। तो वो पहचान देने का काम, वो पहचान देने का काम ये भैया ने चालू किया कि अपना कुछ करो, रेडी चालू करो, क्योंकि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद की चाय की दुकान। आपने मेरे वो सेमिनार देखा जहाँ पे मैंने बोला था रेडी चालू करो, ये करने के बाद आपका कौन सा वीडियो नहीं देखा सर, आपका सारे वीडियोस देखा है। मेरा आने का भी पर्पस ये, मैं अपनी कहानी नहीं बताऊँ कि हमने क्या किया, आप सबको पता है, और हम अच्छा कर रहे हैं, और सिर्फ चाय नहीं, अभी 5-7-8 बिजनेसेस और भी जिसमें हम लोग जा रहे हैं, सिर्फ चाय से भी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता, आप समझ रहे हैं। पर ये स्वीकारना जरूरी है कि इज्जत देना सीखो, अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको बड़ा किसी पैसे वाली की इज्जत करना है, तो पहले उसकी इज्जत करोगे तो आप भी डिजर्व करोगे। आप कोई अमीर बन गया, कोई फेमस हो गया, उसकी अगर बुराई कर रहे हो तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हो, इंसान बना है, मैं राइट और रॉन्ग? आज आपको बोलूंगा कि पानीपुरी के ठेले पे पानीपुरी के बाद पपड़ी लेने के बाद आदमी नहीं रुकता है, सूखी पपड़ी मिल जाती है उसके बाद नहीं रुकता है, क्योंकि गंदगी है, धूप है, वहां पर मैंने 2.5 साल बिताए, तो डाउन ही डाउन थे। MBA चावला जब नाम रखा था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, MBA करके चाय बेच रहे, अरे इनकी हालत देखो देश की। तो वहां पे मैं बहुत सारे इवेंट्स करता था, तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक मार्केटिंग गिग खेला पूरे इंडिया में, फ्री चाय टू सिंगल्स करके, संदीप सर मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो, मेरी चाय की दुकान पे हो, मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय, आई विल मेक इट। 2.5-3 हज़ार लोग आ गए उस दिन, मुझे लगा कि बॉस अब तो मेरी गाड़ी। मुझे अपने लाइफ में व्हेन अब ये ऐसे क्वेश्चन है जब मैं पूछता हूँ मैं ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल, व्हाई वी आर हियर, व्हाई आई एम हियर, व्हाट्स माय पर्पस, एंड जब भी ये सोचता हूँ मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ, एंड आई डोंट थिंक मैं क्या करूँगा। यही तो प्रॉब्लम है कि आप सोच ही रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोचने से अच्छा एक कोई काम कर दो, काम जिस दिन करने लग जाओगे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ, आप ये चीज़ को याद रखना, ठीक है? इसके पहले आप 1000 चीज़ सोच रहे हो, लड़की सोच रहे हो, हेयर स्टाइल सोच रहे हो, संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देख रहे हो, MBA चावला की स्टोरी से इंस्पायर हो, ये लाइट ऐसी, ये ऐसा, सब सोच रहे हो, दिमाग ब्लैंक है आपका। अब आपने सोच लिया कि ये बॉटल है, जिंदगी में पर्पस फाइंड करना है तो कोई भी चीज चुन लो। जो मैं बोलता हूं कि जिससे मोहब्बत करते हो उसे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत चालू कर दो, दूसरा ऑप्शन भी बुरा। आपका स्केड्यूल इतना बिजी रहता था, तो आप अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करते थे? रिलेशन मतलब फैमिली सर, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपकी? यार मैं उस टाइम पे, मैं सच बताता हूँ इसका बड़ा प्रैक्टिकल आंसर, मैं पिछले जब शुरू के 3 साल थे ना, मैं अपने ना किसी दोस्त की शादी में, ना पार्टी में, ना रिश्तेदार के यहाँ, किसी के नहीं आया। सब कुछ आपका टिक नहीं हो सकता, मैं जिंदगी बहुत अच्छा फलसफा बोला, आपकी बॉडी भी अच्छी हो सकती है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर दो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी कर लो, ये बहुत कम लोगों का टिक हो सकता है, कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है। बहुत तो मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया, मन क्यों मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ भाई, आज मैं उनसे जाके बात करता हूँ, उनके घर जाके खाना खाता हूँ, पर नहीं यार मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ, मैं दोस्ती नहीं बना सकता। मेरे लिए मेरी चाय सब कुछ था बॉस, ना परिवार, मैं पापा मम्मी से भी 6-6 महीने 8-8 महीने में मिलने जाता था क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, संदीप सर के साथ सो है, मोबाइल बंद करा देते हैं वो, नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सबको मोबाइल बंद है ना फिलहाल? मजा आ रहा है सबको? यस और नो? यस और नो? यस और नो? लगे रहो। ये बड़ी कमाल की ऑडियंस है, 2-2 साल से 4-4 साल से वेट कर रहे आने का, और अब फाइनली ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। थैंक यू। तो आप सोच सकते हैं कि एनर्जी लेवल किस लेवल की होगी। आई एम श्योर आपने भी आज से पहले ऐसी ऐसी एनर्जी नहीं देगी सर, ये एनर्जी अलग ही है, तो वो चाय उबलती है वो बाहर हो रही है। सर आपने एक बात कही कि जिससे शादी करते हैं उससे मोहब्बत कर लो, अगर मोहब्बत वाले शादी ना हो पाए तो। सर आपकी लैंग्वेज में बिजनेस का कुछ पूछना चाहता हूँ, मैंने जिससे मोहब्बत की थी उससे शादी नहीं हुई, उसके बाद
जिससे शादी की उससे मोहब्बत कर ली, लेकिन अभी ना जिससे पहले मोहब्बत थी वो वापस आ रही है अपॉर्चुनिटी दोबारे एक बार घूम के अपॉर्चुनिटी घूम के वापस आ रही है, तो क्या पहली वाली को तलाक दे दूं या फिर जिससे शादी हुई थी वो बदले में उतनी मोहब्बत दे भी नहीं रही है, तो क्या उसे तलाक दे के आगे बढ़ जाऊं, पुराने वाली को पकड़ लूं, या फिर जिससे शादी हुई है उस पे ही टिका रहूं? जवाब दीजिए, जनता जवाब मांग रही है। भाई तलाक दे दो यार, तलाक भी है मतलब ये तो कोर्ट मतलब लीगल है ना तलाक भी, तो तुम तो दे ही दो बॉस, क्योंकि जिंदगी पूरी पड़ी हुई है, तलाक दे के शांति पकड़ो और अपने काम पे पूरा ना, क्योंकि सर वो वापस आ गई है और कह रही है कि आजा के साथ। जितना तुम बात कर रहे हो तुम भी जाना चाहते हो वहाँ पे। बिल्कुल सर, आप काम की बात कर रहे हो। बिल्कुल सर, रिलेशन नहीं, लेकिन सर की लैंग्वेज से ही रिलेट कर दिया मैंने। बिल्कुल सही, आपके लेक्चर सुन सुन के सर दिमाग खुल गया। मेरा जूता मेरे को गीला करके मारा है भाई ने। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई।